ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मैंने बहुत कम वीडियोस इसके बारे में डाले हैं या इनको मैंने अच्छी तरीके से नहीं समझाया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो कि मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, और वो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ। मैं फालतू टाइम वीडियोज़ नहीं बनाता, जैसे कि काली मिर्च के क्या फ़ायदे हैं, सौंफ के क्या फ़ायदे हैं। तो मुझे पूछा था कि हाई लेवल नेक्स्ट लेवल की कुछ चीज़ बताओ, तो मैं थोड़ी सी एक आपको ट्रेलर दे देता हूँ कि HGH के बारे में बता देता हूँ। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जब आप गेनिंग करते हो मसल बिल्ड अगर आपको करने तब भी बढ़िया HGH, अगर आपको फैट लॉस करना है तब भी आपको बढ़िया, पर फ्रेंड्स इसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। मैं कम प्राइस वाले सेमाट्रोफिन वगैरह की बात नहीं करूंगा, मैं बढ़िया क्वालिटी वाले की बात कर रहा हूं। अगर आपका 85 kg तक वेट है, अगर आप 85 kg में कैटेगरी में आप स्टेज पे चढ़ते हो, कंपटीशन खेलते हो, उससे ऊपर की कैटेगरी वाले ही इसको यूज़ करें। बाकी जो कम वेट कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स, वो अपने पैसे ना इस पे बर्बाद करें, क्योंकि HGH बहुत ज़्यादा प्राइस का होता है। सेमोट्रोफिन की बात नहीं कर रहा, वो सेमोट्रोफिन वगैरह थोड़े सस्ते हैं, पर मैं बेस्ट क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ, बेस्ट रिजल्ट्स वालों की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो दूसरी चीज़, जब आप HGH यूज़ करने लगते हो तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ये थोड़ी इसकी मतलब कि इसकी प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट होती है, जिसको कह सकते हैं कि एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं हम। तो HGH फ्रेगमेंट्स अगर आप यूज़ करते हो, पेप्टाइड्स फॉर्म में जो फ्रेगमेंट्स आते हैं HGH फ्रेगमेंट, तो उसका प्राइस भी कम है और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, पर उसके बेने वो एक कह सकते हैं कि हर चीज़ में बेनिफिट नहीं देता। HGH फ्रेगमेंट जो है उसका जो मेन टारगेट होता है वो फैट लॉस पे ही होता है। जब आप फैट लॉस करना चाहते हो तभी उसको यूज़ करें, गेनिंग वगैरह में उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मतलब कि जैसा HGH रिजल्ट देता है गेनिंग में, HGH फ्रेगमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी एंड टेल है, HGH की टेल है वो, जिसको कट करके हमने ये HGH फ्रेगमेंट बनता है। तो HGH फ्रेगमेंट आपने फैट लॉस में ही यूज़ करना है, जिनको हाइपर ग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो HGH से, तो वो फ्रेगमेंट की तरफ आ जाएं, क्योंकि HGH फ्रेगमेंट जो है सस्ता है, इतना प्राइस नहीं है, 16,000 17,000 18,000 की रेंज में आपको बढ़िया मिल जाएगा, बढ़िया ब्रांड का मिल जाएगा, बेनिफिट्स इसके बढ़िया मिलेंगे। फैट लॉस में ही इसको यूज़ करना है, और इसको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, और इसके बिना आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो भी आपकी साइकिल है स्टीरॉयड वगैरह की, वो अपने डॉक्टर ट्रेनर से कंसर्न करके ही उन साइकिल को भी चलाएं, अपने कोच से कंसर्न करके, और वो साइकिल भी इसके साथ चलेगी, ठीक है, HGH के साथ, वो साइकिल HGH फ्रेगमेंट के साथ वो चलेंगी साइकिल जब आप कटिंग कर रहे हो। और दूसरी चीज़ है, इसकी डोज जो है वो भी आपने ओवरडोज नहीं करनी, 250 mcg बहुत सफिशिएंट है आपके लिए जब आप शुरुआत करते हो, और मैक्सिमम इसको 500 mcg तक लेके जाएं, उससे ज़्यादा ना करें। ओवरडोज इन चीज़ों की करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, एक तो ये महंगी बहुत है, ऊपर से नुकसान ना क्रिएट कर दें कोई बड़ा, तो इसलिए मैं कहूँगा, हालांकि इतने इसके नुकसान नहीं है, पर तब भी आपको जो है एक सेफ साइड में ही रहना चाहिए। जो मैंने डोज बता दिया वो मैक्सिमम है, मिनिमम मैंने वो आपको बता दी, इन्हीं 250 और 500 mcg में ही आपको रहना है, गेम आपको इसी में करनी है, बेनिफिट आपको मिलेंगे। जब आप 250 mg में हो तो आपको मॉर्निंग में इसको खाली पेट यूज़ करना है, क्योंकि बेस्ट बेनिफिट के लिए स्टमक खाली होनी चाहिए, उसमें डाइजेशन ना चल रही हो उस टाइम, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इनके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो 250 mg पे आप इसको मॉर्निंग में लें, अगर जब आपकी डोज दो हो, दो शॉट्स लग रहे हो, तो एक आप नाइट में ले सकते हैं खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो ये बढ़िया रिजल्ट देगा फैट लॉस में, बहुत बढ़िया, ये एडिपोज टिश्यूज को ब्रेक डाउन करके उनको कैलोरीज में बर्न करता है, इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसलिए, ठीक है। तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये सभी के लिए नहीं है, जो बस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टेज पे चढ़ने ही वाले हैं, सिर्फ उनके लिए है। एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ बतानी थी तो मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया। अगर वीडियो ये बढ़िया लगी हो, इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ मुझे पूछी है हैरी भाई ने कि PCT करने के बाद हमें कितनी देर के बाद नेक्स्ट साइकिल चलानी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये आपके कौन सा आपने सॉल्ट चलाया उस पे डिपेंड करता है, PCT कितने हफ्ते की उस पे डिपेंड करता है, PCT में क्या डोज थी आपकी उस पे डिपेंड करता है। और जो मेन चीज़ है वो टेस्ट आपका जो होता है, हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह, उसकी रिपोर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, पर सभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं करवाते, मैं करवाता हूँ, ये सिंपल सी चीज़ है, पर सभी नहीं करवाते। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता दूँ, ट्रेलर ही बता दूँ कि एटलीस्ट आपको सॉल्ट वगैरह क्या चलाया और आपकी PCT कितने टाइम की रही है और सॉल्ट कितने देर चलाया आपने, साइकिल कितने देर चलाई है बेसिकली, उस पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो ये आप कोई रूल नहीं कह सकते कि नहीं एक मंथ का गैप लेना है, दो मंथ का गैप लेना है, ये आपके उस साइकिल के सॉल्ट पे ही डिपेंड करता है।
और PCT कितनी देर की थी उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेरे दोनों टॉपिक थे आज के। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, वीडियो उसी पे आएगी जो आप पूछोगे, चाहे वो हाई लेवल का हो चाहे लो लेवल का क्वेश्चन हो, वीडियो ज़रूर आएगी उसके बारे में। तो आप अपना क्वेश्चन लिखना जरूर भूलें ना, कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर डालें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं। ऐसे कोच को पैसे देने से अच्छा है आप यहाँ से सीखें, लॉकडाउन के डे चल रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें मेरे से, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं वीडियो बना के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, आपका टाइम जो है यूटिलाइज हो बढ़िया तरीके से, कुछ सीखने में लगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, फालतू कोच ट्रेनरों को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, ठीक है। अब कोई ज़रूरत नहीं है, पहले का टाइम था जब सिर्फ कोच और ट्रेनर्स को ही पता होता था और वो भी जो बताते थे उसके वो बड़े बड़े पैसे छापते थे। तो आज का वो टाइम नहीं है, आप जो है बढ़िया सोर्स या बढ़िया एजुकेटेड पर्सन जो है जिसको नॉलेज है, ये पर आपको डिसाइड करना है कि किसको नॉलेज है या नहीं है और आपने ही उससे नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो हर कोई कोच ट्रेनर जो है आपको लूटे ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। लव यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। लव यू, बाय।